सबसे पहले तो मैं IAS चैनल का प्रशंसनीय ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंग्लिश की आवश्यकता कैसे पड़ता है ये फ्यूचर में हर किसी आदमी को अपने आप पता चल जाएगा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने की वजह से मुझे इंजीनियरिंग करने में जो दिक्कत आई उस परेशानी को सिर्फ मैं ही वहन कर किया। IAS चैनल जो कोशिश कर रहा है इसके माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को यह जानकारी हो जाएगा कि इंग्लिश जीवन में कितनी ज़रूरत है। अब आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश करने को जा रही है सरकार। इसका उद्देश्य बच्चों को इंग्लिश से जोड़ना और उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए IAS चैनल जो प्रयास कर रहा है सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनसे जुड़े हुए लोगों को फ्यूचर अच्छे भविष्य की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइस, हु नीड्स सुपर हीरोज व्हेन यू हैव अ ब्रदर। सो टुडे आई एम स्पीकिंग माय ब्रदर्स रूटीन। माय ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30 AM। आफ्टर दैट ही ब्रशेस हिज टीथ। आफ्टर दैट ही गेट्स फ्रेश एंड टेक्स अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर। आफ्टर दैट ही गोज फॉर वॉक। After returning, he takes bath and worships God for 2 minutes. After that, he takes breakfast and goes to and gets ready for school. After that, he goes to school at 7 AM. After that, he attends 7 periods and comes back to home at 12 o'clock. After that, he cleans his face and mouth. After that, he takes a nap for 1 hour. After that, he washes face and mouth and gets ready for his tuition classes. After that, he goes to tuition classes at 4 o'clock. After that, he attends there 2 hours. After that, he comes back to home at 6 o'clock. After that, he takes some snacks. After that, he watches television. After that, he spends some time with his friends. After that, he returns to home at 8 o'clock. After that, he takes dinner with family members. After that, he locks the gates, switches off the light, and goes to bed. After that, he remembers God and sleep at 11 o'clock. Thank you. This is my friends, my brother's daily routine. Good morning, friends. Welcome to IAS channel. My name is Imroz, और मेरे साथ कैमरे पर है मिस्टर प्रमोद। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं एट के बारे में। इट्स ऑल्सो प्रीपोजिशन। आप इसे पढ़ते देखते आए हैं आज तक, एट का इस्तेमाल कैसे होगा। पिछली क्लास में हमने टू और फ्रॉम को स्टडी किया था, है ना। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, अभी ये वीडियो नंबर 31 है। पिछले वीडियो में बताया गया आपको, फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर का आप पढ़ रहे हैं। ऐट का इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में आज की क्लास की मेन चर्चा होने वाली है। और आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज बोथ द प्रीपोजिशंस जो पीछे हमने पढ़ाया है आपको, इसको थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि सेंटेंस बनाने में आसानी हो। देखिए, आपको प्रीपोजिशंस की लिस्ट दिखाई गई है 120 के आसपास, 112 के आसपास किताब में दिखाई गई थी। आप कोशिश करें कि उसे बार बार पढ़ें और उसे याद करने की कोशिश करें ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी आपके लिए इट विल बिकम ईजियर, और आसान बनते जाएगी। लेट्स सी, एट का सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं ओ क्लॉक बताने के लिए। ओ सी एल ओ सी के क्लॉक, यह हम क्या बताते हैं, ए एम बताते हैं, या क्या बताते हैं हम लोग, पी एम बताते हैं। हम टाइमिंग को जब बताते हैं तो ए एम पी में बताते हैं, ओ क्लॉक में बताते हैं। इनको बोलने के लिए एट का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो भी एग्जैक्ट जब आप कहेंगे एग्जैक्ट ओ क्लॉक। जैसे मैंने बोला कि मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। व्हाट इज़ वर्ब हियर, उठता हूँ, उठने वाला कौन है, मैं। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर टाइम, समय मिल रहा है आपका, 7 बजे एग्जैक्ट ओ क्लॉक आप बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट ओ क्लॉक में आपने क्या कहा, आई गेट अप। आपने क्या कहा, आई गेट अप, मतलब मैं उठता हूँ, दिस सब्जेक्ट दिस वर्ब। अब 7 बजे उठते हैं तो आपने क्या बोला, एट 7 AM। आप एट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट ओ क्लॉक बता रहे हैं 7 बजे। आई गेट अप एट 7:30 AM, मैं 7:30 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 7:05 AM, आपने कहा मैं 7:05 पर उठता हूँ। आप एट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समय को एग्जैक्ट बता रहे हैं, लगभग में नहीं बता रहे हैं। अगर आप इसको समय को लगभग में बताएंगे तो देखिए, आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। आई गेट अप, फिर आप अबाउट कहेंगे, अबाउट 7 AM का मतलब क्या हो गया, लगभग, लगभग 7 बजे हो गया। फिर अगर और दूसरे टाइम को चेंज करेंगे, मान लेते हैं आपने क्या बोला, आई गेट अप आफ्टर 7 AM, तो आपने क्या बोला, 7 बजे के बाद कहा आपने। अगर आपने कहा बिफोर 7 AM, तो आपने क्या किया, 7 बजे के पहले कहा आपने। अगर बोलोगे अराउंड, ARO UND, अराउंड 7 AM, तो क्या बोला आपने, इर्द गिर्द, लगभग इसका भी मतलब देता है, लगभग इर्द गिर्द, 7 के इर्द गिर्द या आसपास उठता हूँ, ऐसा कह रहे हैं आप।
अगर आपने कहा आई गेट अ बिटवीन, आपने कहा बिटवीन 7 to 8, अगर दो समय के बीच आप उठते हैं तो आप बिटवीन कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कहा, मान लेते हैं कि मैं 7 बजे तक उठता हूँ तो क्या कहते हैं, बाई 7 AM कहते हैं हम लोग। बाई मतलब तक, इसका मतलब टिल भी ले सकते हैं, टिल 7, अभी आप आगे इसको देखेंगे बाद में, पहले आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई का मतलब होता है कि 7 बजे तक, मतलब उसके बाद नहीं, टिल का मतलब होता है कि जस्ट वेरिएशन चलता है। तो अब यहाँ पर आती है बातचीत, यहाँ पर देखिए कितने सारे प्रीपोजिशंस देख रहे हैं समय के लिए आप, इसके बाहर इस्तेमाल करते हैं क्या आप? जब आप किसी से बातचीत करते हैं, दिनचर्या की जब बातचीत होती है हमारी मेनली, तो क्या आप उसमें इसके बाहर कोई समय बोलते हैं? तो अगर आप देखें तो जब आप बोल रहे हैं 7 बजे तो 7 AM, जब बोल रहे हैं आप लगभग 7 बजे तो अबाउट 7, जब आप बोल रहे हैं 7 बजे के पहले तो बिफोर, आफ्टर 7 बजे के पहले, आफ्टर 7 बजे के बाद, 7 बजे के पहले, बिफोर 7 बजे के बाद, आफ्टर, है ना, इर्द गिर्द आसपास उठता हूँ तो अराउंड, दो समय बता रहे हैं तो बिटवीन 7 to 8, इनके बीच में उठते हैं, और तक बता रहे हैं तो ये, और क्या कह सकते हैं अधिक से अधिक, अब मैं सुबह सूर्योदय के पहले उठता हूँ तो बिफोर सनराइज, और सूर्योदय के बाद उठता हूँ तो क्या बोलोगे, आफ्टर सनराइज। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो समय आप देख रहे हैं ऐट के इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उसी पे बातचीत हो रही है। अगर आप सोते हैं, मान लेते हैं कोई समय देते हैं आई स्लीप, अब इसमें से कोई भी टाइमिंग आप चेंज कर लीजिए, कि आप बोलोगे कि मैं 10 बजे सोता हूँ तो ऐट 10, आप बोलोगे लगभग 10 बजे तो अबाउट, अगर बोलोगे 10 बजे के पहले तो बिफोर, 10 बजे के बाद तो आफ्टर, आसपास होता हूँ तो अराउंड, बिटवीन 10 to 11, 10 और 11 के बीच सोता हूँ, तक सो जाता हूँ तो बोलोगे 10। तो आप जो काम करते हैं वक्त बताते हैं, उन वक्त को बताने के लिए, इस प्रकार के वक्त को बताने के लिए आपको ऐसे प्रीपोजिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बोलोगे आई ईट, अब बता दो आप अबाउट एट ए 1 PM या अबाउट 1 PM या बिफोर या आफ्टर 1 PM या अराउंड या बिटवीन, आप कुछ तो बताएंगे ना समय। इसी तरीके से आपने बोला मैं जाता हूँ, तो आप कहीं जाते हैं तो आप बोल रहे हो आई गो। एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या बोला, आई गो, कहाँ जाते हो आप, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। कहाँ से जाते हो आप, फ्रॉम हाउस, घर से जाता हूँ, आपने देखा। फिर कितने बजे जाते हैं, तो आपने क्या बोला एट, आपने बोला 7 AM। देखिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर फ्रॉम का, यहाँ पर एट का, जिसके रिक्वायरमेंट होगा उसके इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से आपने क्या बोला, आई कम टू स्कूल फ्रॉम हाउस, कितने बजे आते हैं, एट 7 AM। तो एट का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मैं मेनली ये बातें आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप अलग अलग वर्ब्स ले सकते हैं, आना जाना, उठना बैठना, वॉट एवर यू डू, रोज जो आप करते हो, कितने बजे करते हो, कितने बजे के पहले, कितने बजे के बाद, कितने बजे के बीच, कितने बजे के आसपास, कितने बजे तक करते हुए, तमाम बातों को आप एट से बता सकते हो, एट, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, बिटवीन, बाई से बता सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप, आई होप सो। अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसके अलावा सम मोर एग्जांपल्स विल सी, फिर आपको किताब से भी एग्जांपल बताए जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है स्मॉल प्लेसेस के लिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। स्मॉल प्लेसेस मतलब यहाँ पर नेबर, NEIGHBOUR, नेबरहुड के लिए एग्जाम्पल हो रहे हैं। नेबरहुड मतलब होता है मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला, आप मोहल्ले की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा एग्जांपल में कि मैं, मान लेते हैं रिसाली में रहता हूँ, रिसाली में रहता हूँ, व्हाट इज़ वर्ब हियर, रहता हूँ, रहने वाला कौन है, मैं, आप बोल रहे रिसाली में, ये एज एन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो आपने क्या कहा, आई लिव, कहाँ रहते हैं आप, एट रिसाली, तो आपने रिसाली इज़ अ प्लेस, ये रिसाली एक प्लेस है, नेबरहुड, आई लिव एट मरोदा, कहाँ रहते हो आप, मरोदा, आई लिव एट रामनगर, कहाँ रहते हो आप, रामनगर में, सब क्या हैं ये सब, जब हम नेबरहुड के नाम लेंगे, मोहल्लों के नाम लेंगे, वहाँ में, आप देखेंगे कि यहाँ पर एट का मतलब में की तरह दिख रहा है, आई लिव एट रिसाली, तो मैं कहता हूँ कि इन कहना चाहिए मुझे, आई लिव एट रिसाली, आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एट इज़ एग्जैक्ट, यहाँ ग्रामेटिकल आप देखें तो एट का इस्तेमाल ज़्यादा सटीक और बेहतर होगा। देखिए इसके अलावा आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपने बोला मैं खेलता हूँ, कहाँ खेलते हो, रिसाली में, आई प्ले एट रिसाली, आपने बोला मैं काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, एट रिसाली, आपने कहा एग्जांपल में आई सेल, कहाँ बेचते हो, रिसाली, आपने कहा कहाँ खरीदते हो, रिसाली, कहाँ पढ़ते हो, रिसाली, कहाँ टीच करते हो, दैट मीन्स मोहल्ले के नाम में बहुत मोहल्ले हैं, आप किसी भी जिस मोहल्ले की बात करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक मोहल्ला है रुआ बांधा, तो मैं बोलूँगा मैं रुआ बांधा में मिलता हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई मीट, किससे मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स, कहाँ मिलता हूँ, एट रुआ बांधा, इन रुआ बांधा कह सकता हूं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इट गोज चलता है, लेकिन अगर हम लिख रहे हो तो स्मॉल प्लेसेस में हमको यह कहना चाहिए। फिर बोलते हैं बड़ी जगहों के लिए क्या कहना चाहिए, तो आई लिव एट रिसाली, कहां रहते हो, रिसाली, इस एग्जांपल को देखिए, आपने क्या बोला, आई लिव एट रिसाली, ना कहकर आपने क्या बोला, आई लिव इन, आपने बोला आई लिव इन भिलाई, मैंने कहा, अब मैंने इन का इस्तेमाल किया, ये शहर है, इट्स नॉट अ मोहल्ला, नेबरहुड नहीं है ये, तो क्या कहा मैंने, इन, आई लिव इन भिलाई, या क्या बोलूंगा, आई लिव
इन भिलाई एट रिसाली। अगर मैं ज़्यादा डिटेल्स में बताना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, आई लिव इन भिलाई, मैं भिलाई में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, एट रिसाली। इस तरीके से आपने बोला आई लिव इन दुर्ग, मैं दुर्ग में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, एट रामनगर, मैं रामनगर में रहता हूँ। तो जब भी मोहल्ले की बात आ रही है, एट आ रहा, उससे बड़ी जो भी चीज़ें आएंगी, टाउन आएगी, सिटी आएगी, विलेज आएंगे या और भी नेशंस या स्टेट्स आएंगे, तो उसके सामने में आपको इन लगाना है, बड़ी जगहों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं तीसरी बात, अब पाँच वर्ब्स आपको बताए जाएंगे, उस पर मैं थोड़ा फास्ट लेके वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आपने बोला फाइव वर्ब्स मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, फाइव वर्ब्स मतलब पांच ऐसे वर्ब्स बताए जाएंगे जिसमें एट का इस्तेमाल होता है। पहला देखिए, फर्स्ट है लुक एट। लुक एट के एग्जांपल एट क्यों लगाया गया ये बताऊंगा मैं। मैं बोलूंगा कि मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। व्हाट इज़ वो भी, देखता हूँ, देखने वाला कौन है, मैं। यहाँ पर क्या मिला ऑब्जेक्ट में आपको, आपको देखता हूँ, आप किसी की तरफ देखते हैं। मैं आपको देखता हूँ मतलब क्या बोला आपने, मैंने तुमको देखता हूँ। फिर क्या बोला, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तेरे को देखता हूँ, मैं तेरी तरफ देखता हूँ, तेरी ओर देखता हूँ। ऐसे किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में आप ध्यान देंगे, आप किसी की तरफ निगाह डालते हैं वाली बात आ रही है। तो आपने क्या बोला, आई लुक, किसको देखते हो, आई लुक एट यू, मैं तुमको देखता हूँ। आई लुक एट पीपल, क्या बोला आपने, मैं लोगों को देखता हूँ। आई लुक एट, यू कैन से बॉय, मैं लड़कों को देखता हूँ। आई लुक एट गर्ल्स, मैं लड़कियों को देखता हूँ। आई लुक एट अ स्टार, मतलब मैं एक स्टार को देखता हूँ। आई लुक एट, यू कैन से एग्जांपल हियर, आई लुक एट अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर को देखता हूँ, फोटो तस्वीर को देखता हूँ। एट का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जिस पर आप निगाह डालते हैं उस पर एट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल में रहना चाहता हूँ, ये आई की एग्जांपल आप समझ रहे होंगे। आई लुक एट मदर, लुक्स एट फादर, लुक्स एट ब्रदर, लुक्स एट, है ना, पीपल लुक एट, किसी की तरफ भी देखते हैं। जैसे लोग आपने बोला एग्जांपल में, पहाड़ों की तरफ देखते हैं, तो क्या बोलोगे, पीपल लुक एट माउंटेंस, तो किसी की तरफ निगाह डालने की बात हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर टू यू हैव, दूसरा एग्जांपल है, मैं आप पर हंसता हूँ, आप पर हंसता हूँ। व्हाट इज़ वो भी यार, हंसता हूँ, हंसने वाला कौन है, मैं। ऑब्जेक्ट में क्या मिला, आप पर, तुम पर, तेरे ऊपर हंसता हूँ, तुझ पर हंसता हूँ। आप कई प्रकार के हिंदी में तोड़ मरोड़ कर लीजिए। आपने क्या बोला, आई लव एल ए यू जी एच, लव किस पर हंसते हो, आई लव एट यू, आपने लव एट का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे, आई लव एट यू, मैं तुम पर हंसता हूँ, आई लव एट पीपल, मैं लोगों पर हंसता हूँ, आई लव एट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों पर हंसता हूँ, माई फ्रेंड्स लव एट मी, मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। वी लव एट पीपल, हम लोगों पर हंसते हैं, पीपल लव एट अस, लोग हम पर हंसते हैं। माई मदर लव सेट माई फादर, माई फादर लव सेट माई मदर। आप हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल बना पाएंगे, कोई किसी पर हंसता है तो ऐसे ही कहना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नंबर थ्री, पांच वर्ब में से मैंने दो बता दिया आपको, बार कैट के एग्जाम्पल होंगे इसमें। इसमें एग्जाम्पल ऐसा होता है कि मैंने बोला कुत्ता भौंकता, तो कुत्ता ही है, तो आपने कहा कुत्ता मुझको भौंकता है, मुझको भौंकता है। व्हाट इज़ वो बियर, भौंकता है, भौंकने वाला कौन है, कुत्ता, किसको भौंकता है, मुझको, ऑब्जेक्ट है। अब इसे आप देखिए, मुझको, मेरे को, है ना, मुझे भौंकता है, मेरे ऊपर भौंकता है, इस प्रकार की आप बातें करते हैं हिंदी में। बट इंग्लिश में आप कहेंगे तो क्या जाएंगे, ए डॉग, एक कुत्ता है, तो मैंने ये डॉग लिखा, ए डॉग बार्क, लिखूंगा कि बार्क्स, बार्क्स किस पर भौंकता है, एट मी, मुझ पर भौंकता है। अब जिसके ऊपर भौंकेगा एट लगेगा, बार्क्स एट पीपल, लोगों पर भौंकता है, बार्क्स एट माई मदर, मेरी माँ पर भौंकता है, बार्क्स एट पीपल, लोगों पर भौंकता है, बच्चों पर भौंकता है, तो जिस पर भौंकेगा एट लगेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कुत्ता है, अगर आप देखेंगे तो डॉग्स भी कह सकते हैं, डॉग्स बार्क, इस तरीके से बिच कह सकते हैं, बिच मतलब कुतिया, इस तरीके से पपी कह सकते हैं, पपी भी भौंक सकता है। तो क्या लोग, पपी बार्क्स एट मी, मतलब कुत्ते का पिल्ला मुझे भौंकता है, और हम और आप एक दूसरे पर भौंक सकते हैं, तब भी इस्तेमाल होगा, आई लुक, आई बार्क एट यू, बार्क एट मी, माई बॉस बार्क्स एट मी। आपने ऐसे सेंटेंस सुना होगा, वाई आर यू बार्किंग एट मी, ऐसे एग्जाम्पल बोले जाते हैं एक दूसरे को भौंकने के लिए। नंबर नेक्स्ट यू हैव, नंबर फोर्थ यू हैव, मैंने कहा एग्जाम्पल, मैं दरवाजे में खड़ा होता हूँ, दरवाजे में खड़ा होता हूँ या दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, खड़ा होता हूँ, इट इज़ अ वर्ब हियर। तो आपने क्या, खड़ा होना सब्जेक्ट क्या है, मैं किस पर खड़े होते हो, दरवाजे में। अब दरवाज़ा तो ऐसा होता है, आप ज़रा बताइए कि मैं और पर के बीच पर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में से इन कहते हैं, जैसे ऑन, किसी चीज़ के अंदर रहेंगे तो इन, किसी चीज़ के ऊपर रहेंगे जैसे एक टेबल के ऊपर है तो ऑन। इन दोनों के बीच की स्थिति के लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली ना तो इन होते हैं ना तो ऑन होते हैं। अब गौर करिए, आपने क्या बोला, आई स्टैंड किस पर खड़े होते हो, आई स्टैंड एट द डोर, एट द डोर आपने कहा। अब गौर करिएगा यहाँ पर, एट द डोर क्यों कहा, आप ना तो दरवाजे में, उसके अंदर नहीं रहते, उसके ऊपर नहीं रहते, आप उससे लगकर रहते हैं, वहीं आसपास रहते हैं। ऐसी स्थिति के लिए भी हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये ना बता सकें कि हम इन पर हैं कि ऑन पर हैं, तो उसके बीच का रास्ता निकालते हैं ऐट। ऐसी स्थिति और कहाँ बनेगी, आई स्टैंड एट द विंडो, आपने क्या कहा, अब मैं विंडो पर खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ एग्जाम्पल में, तो विंडो पर कैसे, अंदर तो नहीं रहते आप उसके, ना उसके ऊपर रहते हैं, मतलब वहीं कहीं। आई स्टैंड एट द, आपने देखा एग्जाम्पल में गेट, एट द गेट, इस तरह से एग्जाम्पल में आप देखेंगे
कि एट द गेट कहा जा रहा है तो गेट पर भी वैसे ही खड़े होंगे, ऐसी जैसे आपने पानठेले पे खड़े होते हो, आई स्टैंड एट द, यू कैन से व्हाट बीटल्स ऑफ या पानठेला आपने कहा है ना, आई स्टैंड एट द शॉप, मैं शॉप पर खड़ा होता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, उस स्थिति को अपन एट कहते हैं। अब जरा गौर करिए यहाँ पर कि अगर ही कहूँगा तो ही स्टैंड एट द डोर, वक्त माँ दरवाजे पर खड़ी होती है तो क्या बोलेंगे, मदर स्टैंड्स एट द डोर, पापा खिड़की पर खड़े होते हैं तो क्या बोलेंगे, फादर स्टैंड्स एट द विंडो। ऐसी स्थिति पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक आखिरी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए अब, वो है एट का इस्तेमाल यहाँ करते हैं नॉक एट, पाँचवा एग्जाम्पल है KNOCK नॉक एट का एग्जाम्पल हम करेंगे। आपने बोला मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, खटखटाता हूँ, व्हाट इज़ वर्ब हियर, खटखटाना, खटखटाने वाला कौन है, मैं, क्या खटखटाते हो, दरवाजे को खटखटाता हूँ, दरवाजे पर खटखटाता हूँ, आप किसी भी तरह से बोलिए, इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा KNOCK नॉक, क्या खटखटाते हो, एट द डोर, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। अब क्या क्या खटखटा सकते हैं आप, आई नॉक एट द विंडो खटखटा सकते हैं, आई नॉक एट द गेट, दैट मीन्स जैसे हम इस्तेमाल है, जैसे आई नॉक एट द टेबल, ये नॉक कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में, तो आई नॉक एट द टेबल, तो इसी तरह से नॉक एट योर माइंड भी बोलते हैं या नॉक एट योर ब्रेन भी बोलते हैं, दिमाग को थोड़ा जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि एट का इस्तेमाल किसी चीज़ को खटखटाने के लिए होता है। तो अब मैं आपको किताब से कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम्पल कैसे किया जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है, जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एट के जो एग्जाम्पल है वो बताएंगे। देखिए इसे, यह है एट के एग्जाम्पल में एग्जैक्ट टाइम O'clock AM PM के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल में, मैं 7 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे जाता हूँ तो क्या बोलेगा, आई गो एट 7 AM, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, कहाँ जाते हैं, स्कूल एट 7 AM, ही गोज़ टू विलेज एट 12 PM, ही गोज़ एट 12 PM, आपने क्या बोला, योर मदर गोज़ एट 10 PM, योर मदर गोज़ टू भिलाई एट, आपने बोला 1 PM। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल आपको करना है, यह ट्रेन बॉम्बे से 2 बजे जाती, टाइम वक्त पर ध्यान दीजिए, बाकी आप 2 फ्रॉम पीछे पड़े हैं कि वक्त 10 बजे, आपने बोला 11 बजे, इनके पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, एट। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में स्मॉल प्लेसेस नेबरहुड के लिए बताया गया, मैं रिसाली में रहता हूँ, आई लिव एट रिसाली, ही प्लेज एट मरुदा, ये सब मोहल्लों के नाम है, मोहल्लों के नाम में की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मरुदा में, आशीष नगर में, पावर हाउस में, सुपेला में, इसलिए सब भिलाई के जिस तरीके से मोहल्लों के नाम है समझ लीजिए। देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त रुआ बांदा में, नेहरू नगर में, रिसाली में, सेक्टर 10 में, मैत्री नगर में, ये सब स्मॉल प्लेसेस कहलाते हैं जिसमें एट का इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए 5 वर्ब्स जो आपको बताया गया था, पहला एग्जाम्पल लुक एट पे, मैं आपको देखता हूँ, आई लुक एट यू, यू लुक एट मी, है ना, हर या हीज मदर लुक्स एट, क्या है, लुक्स एट डॉग्स, कुत्तों को देखते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल में, बिल्ली चूहे को देखती है, कैट लुक्स एट अ रैट, इस तरह से वी लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ए थीफ लुक्स एट अ पुलिसमैन, इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक हवाई जहाज को देखते हैं, लड़के लड़कियों को देखते हैं, किसी की तरफ देखने, किसी की तरफ निगाह डालने की बात हो रही है। लॉफ एट के इस्तेमाल में, आई लॉफ एट यू, है ना, कैट लॉफ्स एट रैट, यू लॉफ एट मी, वी लॉफ एट चिल्ड्रन, मम्मी लॉफ्स एट माई बिहेवियर, ए थीफ लॉफ्स एट अ पुलिसमैन, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप बनाइए देखिए यहाँ पर, और इससे आपको सेंटेंस क्रिएशन आ जाएगा। बार्क एट के एग्जाम्पल देखिए, डॉग बार्क्स एट मी, ए पपी बार्क्स एट चिल्ड्रन, टॉमी बार्क्स एट थीव्स, इसी तरह से यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं, और इन एग्जाम्पल को आप देखिए अच्छे से, इस पर स्टडी करिए, इसका फोटो ले लीजिए आप। देखिए यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं आपको, कुतिया भैंसों को भौंकती है, शेरू मेहमानों को भौंकता है, अब शेरू इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग, जैकी दुश्मनों को भौंकता है, इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग, मेरा कुत्ता उसके चाचा को भौंकता है, तो इस तरह से एग्जाम्पल बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टैंडर्ड पर एग्जाम्पल देखिए, है ना, टेबल पर पढ़ता हूँ, तो टेबल पर ना तो आप टेबल के अंदर रहते हैं ना उसके ऊपर रहते हैं, तो इस तरीके से क्या क्या आपने, आई रीड एट द टेबल, ऐसा कहेंगे। देखिए यहाँ स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल में, माँ खिड़की में खड़ी होती है, चौकीदार गेट में, है ना, डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, इस तरीके से टेबल में, ये टेबल में नहीं रहते हैं हम लोग, पढ़ते हैं तो टेबल पर पढ़ते हैं, दैट में एट द टेबल बोला जाएगा, ऑन सही नहीं होगा, ना ही इन सही होगा, उसके ऊपर होते तो ऑन सही होता। इस तरह से देखिए यहाँ एग्जाम्पल नॉक एट के एग्जाम्पल है, आई नॉक एट द डोर, ही नॉक्स एट द विंडो, चिल्ड्रन नॉक एट द टेबल। अब कुछ एग्जाम्पल है, दूध वाला गेट खटखटाता है, नौकरानी, ये क्या खटखटाने की बात हुई, टेबल खटखट करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को मैंने आपको दिखा दिया है, और यहाँ पर नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू क्लोज आवर अब वीडियो, और वंस अगेन आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल प्लीज़ या कि आप लगातार वीडियो देखते रहें, 1, 2, 3, 4 सीरीज़ में देखने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, यू नो वेरी वेल, तो दैट्स वाई
ये जो वीडियोस हैं लगभग ये जो जितनी स्टडीज़ है पूरी करवानी ज़रूरी है हमको, और ये इन शॉर्ट आप सोचिए, मत सोचिए कि कोई देर इज एनी शॉर्टकट, शॉर्टकट तो होता ही नहीं है, बात को समझने की कोशिश करिए। और अगर जो बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं यहाँ पर 2-3 मिनट के लोग हम सजेस्ट करते हैं बनाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिले, तो ये मैटर व्यूअर्स का नहीं है, ये मैटर है लर्निंग का। अगर आप कुछ सीख सकें बेहतर हमसे और एक चीज़ मुकम्मल हो सके तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। यू नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम की, या एजुकेशन कंडीशन आप जानते हैं, और ख़ुद भी आप देख रहे हैं कि आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और इस सब को शॉर्ट रेक्टिफाई करने के लिए या इनके अंदर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही ये कोशिश कर रहे हैं हम कि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करें और शिक्षा में मतलब बेहतर योगदान दें। और इससे संबंधित बहुत सारी बातें आपसे कर रही हैं, बट इन नेक्स्ट वीडियोज़ विल टॉक अबाउट, इस बारे में बात करेंगे। और अभी जो आपको पढ़ाया गया, आई होप यू लाइक इट, आप इसे पसंद किए होंगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिनकी ज़रूरत, जो ज़रूरतमंद है, जो मेहनत करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।